हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, आज CPL में दो मैच होने वाला है, SKN वर्सेस बारबाडोस और जमैका थलवेस वर्सेस ईस्टर के बीच में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SKN वर्सेस बारबाडोस के बीच में जो T20 मैच होने वाला है CPL में, इसी मैच के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एम करते हैं हम लोग जो है अराउंड इस वीडियो में जब 15 लाइक। तो अगर आप 15 लाइक करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इसी मैच से रिलेटेड की। तो सबसे पहले अगर हम लोग जो है प्लेइंग 11 देख लेते हैं दोनों टीमों के बीच में कि दोनों टीम का जो है क्या प्लेइंग 11 होने वाला है, उसके बाद मैं आपको जो है सब कुछ जो है बताने वाला हूँ। तो प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो है जो SKN की तरफ से जो है डेवन थॉमस है जो कि विकेट कीपिंग करेंगे। वहीं पर बैट्समैन की बात करें तो आपके पास यहाँ पे क्रिस गेल, एबिन लुइस, टॉम कूपर और एंथन देवचीज जो कि चारों के चारों जो अभी तक जो है फ्लॉप चल रहे हैं। वहीं पे ऑलराउंडर की बात करें तो यहाँ पे कार्लोस ब्रैथवेट है, मोहम्मदुल्ला है और बेन कटिंग है। बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पे संदीप लमिचन है, सेल्डन है और ब्रैंडम किंग है जो कि हालांकि बैट्समैन की कैटेगरी में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन मैंने गलत जो है जगह पर मैंने इनका नाम जो है टाइप कर दिया है। तो आप एज अ बैट्समैन आप इसे देख सकते हो जो कि प्रीवियस मैच में इन्होंने खेला था। वहीं पे अगर हम बारबाडोस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो विकेट कीपर पर आपके पास निकोल पुरान है, स्टीव स्मिथ है, ड्विन स्मिथ है। वहीं पे आपके पास मार्टिन गप्टिल, हासिम मामला है जो कि इनमें से आप कह सकते हो जो स्मिथ को छोड़ के किसी ने अभी तक जो है कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। साहिल होप है जो कि अभी तक सबसे अच्छे बैट्समैन रहे हैं दोनों टीम को अगर मिला ले तो। आप वहीं पे कैप्टन की बात करें तो जेसन ऑनलर कैप्टन है और रायमन राइफर जो कि बहुत ही अच्छे जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बॉलिंग की बात करें तो आवरियाज है, एसलेनर्स है और मोहम्मद इरफान है। तो ये कुछ प्लेइंग 11 होने वाला है जो कि सेफ्टी के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये प्लेयर जो है आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है और 100% जो है खेलने वाला है। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं विकेट कीपर और बैट्समैन के बारे में। हालांकि थोड़ा मेरा नेट शायद स्लो चल रहा है क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है अभी। तो दोनों आपके दो आपके लिए जो है विकेट कीपर पे ऑप्शन है जो कि दोनों ही मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करते हैं। तो यहाँ पे है निकोल पुरान और डेवन थॉमस, तो दोनों ही आपके लिए जो है एवरेज जो है रहेंगे, लेकिन आप चाहें तो डेवन थॉमस को ले सकते हैं क्योंकि इनका जो है प्रीवियस परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छा रहा है। बैट्समैन की बात करें तो बैट्समैन को कुछ खास अच्छा लेने का नहीं है आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो क्रिस गेल, एबिन लुइस और स्मिथ को लिया हुआ है। आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने साहिल होप यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है, तो आप साहिल होप को ज़रूर अपने टीम में रख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एंटन दीपसेज को ले सकते हैं, ड्विन स्मिथ को ले सकते हैं, हासिम मामला को ले सकते हैं, मार्टिन गप्टिल को ले सकते हैं, टॉम कूपर को ले सकते हैं, ये कुछ आपके लिए जो। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर ब्रैंडम किंग को भी ले सकते हैं जो कि आपके लिए जो है अवेलेबल ऑप्शन होंगे। वहीं पे ऑलराउंडर की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो है कार्लोस ब्रैथवेट है, बेन कटिंग है, रायन राइफल को मैंने लिया हुआ। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे जेसन होल्डर को ले सकते हैं, मोहम्मदुल्ला को ले सकते हैं, तो जो कि आपके पास जो है अवेलेबल ऑप्शन रहेंगे। बॉलर की बात करते हैं यहाँ पे सेल्डन कार्डल को मैंने लिया हुआ है, संदीप लमिचाने को लिया है, वॉब डियाज को लिया है। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे लुइस को ले सकते हैं, मोहम्मद इरफान को ले सकते हैं, आस्लेनर्स को ले सकते हैं, कुछ ऐसे प्लेयर है जिसे आप जो है अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। अब आप बात कर लेते हैं कैप्टन एंड वॉइस कैप्टन के बारे में। तो वॉइस कैप्टन मैंने एज है स्मिथ को लिया है जो कि प्रीवियस मैच पे अकेले ने जो कि इन्होंने मैच जीता है, तो आप इसे एज ए कैप्टन भी ले सकते हैं। वॉइस कैप्टन की बात करें तो मैंने यहाँ पे साहिल होप को लिया है। इसके अलावा क्रिस गेल एंड लेविन लुइस को आप कैप्टन वॉइस कैप्टन बना सकते हो अपनी ग्रैंड लीग की टीम में। इसके अलावा आपके पास टॉमस भी एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन रहेंगे क्योंकि ये अच्छे फॉर्म में है और अच्छा खासा रन बना सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।